नमस्कार दोस्तों, ऑन ट्रैक में आपका स्वागत। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे रियलमी C2 में आफ्टर रियलमी वाई अपडेट के बाद टॉप 5 फीचर बताओ गाइस जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। बहुत कम रियलमी के डिवाइस में वो फीचर आए। तो गाइस, रियलमी C11 और C2 में ही ऐसे फीचर देखने को मिले हैं। तो गाइस, बहुत अच्छे फीचर है। तो मैं ये पूरा वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे फीचर है, तो मतलब क्या क्या कौन सा फीचर है। तो गाइस, पूरा अंत तक देखना, किधर भी स्किप मत करना। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले फीचर की बात करते हैं। तो पहला फीचर आपको सेटिंग में देखने को मिल जाता है, सेटिंग में रियलमी लैब में देखने को मिलेगा आपको। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दो फीचर स्मूथ कॉलिंग और सुपर नाइट टाइम स्टैंडर, ये जो फीचर्स है ये दोनों में से पहले हम इस्तेमाल करेंगे सुपर पावर सेविंग मोड। तो गाइस, इसको ऑन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपके फ़ोन में। तो गाइस, यहाँ पे सिर्फ आप 6 ऐप यूज़ कर पाओगे, कोई भी 6 ऐप। और यहाँ से ऊपर राइट कॉर्नर पे आप क्लिक करके ऐप को, कोई भी ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जितने भी ऐप है आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब 6 ऐप सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं। और जिसको आपको रिमूव करना है कोई भी ऐप को, तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। तो उसके लिए ना आपको इसको सिलेक्ट करके रिमूव करने का, फिर वापस आपको ज्वाइन करने का, तो ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस, राइट कॉर्नर पे आप सिलेक्ट करके इसको रिमूव भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। तो बहुत अच्छी फीचर ये देखने को मिलेगा और आपकी बैटरी को बहुत बचाएगा। और ये रियलमी C11 और C2 में अभी तक आया है। और बैक होना होगा ना, तो गाइस बैक के लिए ना आपको लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा आइकॉन 7 o'clock के ऊपर, जो 7 बज रहा है उसके, उसको आप दबाओगे ना, दबाने के बाद अभी तो दबाने के बाद उसको गाइस तभी आप बैक हो पाओगे, नहीं तो ऐसे बैक नहीं हो पाओगे। तो उसको दबाने के बाद इधर एग्जिट सुपर पावर सेविंग मोड पे आप क्लिक करोगे तो बैक आ जाओगे। ये बहुत अच्छा फीचर देखने को मिला है मेरे को। ओके, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर आपको देखने को मिलेगा स्मूथ स्कोरिंग फीचर, जो है वो बहुत सारे रियलमी डिवाइस में आया लेकिन C2 के अंदर भी आया है। तो गाइस, इसको पहले हम ऑफ करके देखेंगे और ऑफ करने के बाद हम रियलमी कम्युनिटी पे एक बार देखेंगे डिस्प्ले कैसा चल रहा है। तो गाइस, आपको डिस्प्ले कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा स्मूथ देखने को नहीं मिलता है डिस्प्ले। तो भी हम अभी इसको ऑन करके देखते हैं, तो ऑन करके कैसे चलेगा। तो गाइस, हम पहले ऑन कर लेते। तो ऑन करने के बाद हम जाते हैं उस पर वापस रियलमी कम्युनिटी पे। तो गाइस, रियलमी कम्युनिटी अपन ऊपर आ गए। अभी इसको करते स्क्रॉल, देखो कितना स्मूथ देखने को मिलता है आपको। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पूरा लाइव प्रूफ हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो, वो ऑफ़ था तो कैसा दिख रहा था, अभी ऑन किया तो कैसा देखने को मिल रहा। तो गाइस, मेरे को ये फीचर भी बहुत अच्छे देखने को मिले, मतलब मेरे डिवाइस में भी है और C2 में भी आया। तो बहुत अच्छी फीचर मतलब आपको देखने को मिला, ये स्मूथ स्क्रॉलिंग फीचर। तो आपको डिस्प्ले का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। और बात करते हैं नेक्स्ट, तो गाइस नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर आपको सेटिंग में देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। तो गाइस, स्टेटस बार में टाइम जैसा एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक तो आप सिर्फ आवर और मिनट रख सकते हैं, एक तो टाइम आवर और सेकंड भी रख सकते हैं, और एक तो आप हटा सकते हो पूरा। तो गाइस, ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप बीच वाला ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपको टाइम, मिनट, आवर, सेकंड तीनों चीज़ देखने को मिलेगा। तो गाइस, ये भी बहुत अच्छा फीचर है, कुछ ही डिवाइस में आया है अभी तक, ज़्यादा डिवाइस में देखने को नहीं मिला है। तो गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट फीचर आपको वाईफाई में देखने को मिलेगा। तो गाइस, वाईफाई में ऊपर आपको राइट कॉर्नर में स्कैन इन का ऑप्शन देखने को मिला है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो गाइस, ऐसा आपको स्क्रीन का बारकोड आप स्कैन कर सकते हो। अभी तो मैं फ़ोन पे का कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास तो अभी है नहीं मतलब बारकोड ऐसा दूसरे वाईफाई का, तो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन यूज़ तो हो रहा नहीं। लेकिन ये वाईफाई का स्क्रीन में मतलब वाईफाई का जो कोड रहेगा उस पर इसके होएगा, और किसी पे नहीं ये होएगा। तो आप डिवाइस का भी बारकोड स्कैन कर सकते हो और वाईफाई का भी बारकोड स्कैन कर सकते हो। तो गाइस, ये भी बहुत अच्छा फीचर देखने को मिला है, और ये भी 2-3 डिवाइस में आया रियलमी के, मतलब ज़्यादा डिवाइस में अभी देखने को नहीं मिला ये फीचर। तो गाइस, ये भी बहुत अच्छा फीचर मेरे को देखने को मिला है रियलमी C2 में। और गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो नेक्स्ट फीचर आपको देखने को मिलेगा, गाइस नेक्स्ट फीचर आपको देखने को मिलेगा बैटरी सेक्शन में। तो गाइस, बैटरी सेक्शन में आपको पावर सेविंग मोड और पावर सुपर मोड दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और एक और नीचे आपको देखने को मिलेगा ऐप क्यू फीच। ये ऐप आपको बैटरी को और सेव करने में मिलेगा, मतलब बहुत कम डिवाइस में अभी देखने को मिला है ये अपडेट, मतलब ये फीचर। तो गाइस, रियलमी C2 में भी आ गया है, तो आपको ये फीचर देखने को मिलेगा। इससे आप सारे ऐप्स का ऑन कर दोगे तो आपको मतलब बैटरी कम खाने को मिलेगा। ऊपर से सुपर पावर सेविंग मोड भी दे दिया। तो गाइस, बहुत अच्छा फीचर देखने को मिला है
मी सी टू में आफ्टर रियलमी यूआई अपडेट। तो गाइस ये थे, मेरे को 5 फीचर बहुत पसंद आए। आपको कौन से पसंद आए मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन गाइस मेरे को ये 5 फीचर बहुत अच्छे लगे। तो गाइस इतने था वीडियो में, और कुछ अपडेट वपडेट आएगा तो आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो गाइस उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और गाइस लाइक एंड कमेंट कर देना। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।